सो लास्ट वीक के वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए आपके वीज़ा से रिलेटेड, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए आपके, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में वीज़ा से रिलेटेड जो आपने पूछे उसके कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ ऑन वीज़ा, और इस वीडियो में कुछ 10 क्वेश्चंस लिए मैंने टॉप के, जो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितने दिन की ट्रैवल आइटनरी बनाएं जिससे हमारे वीज़ा एक्सेप्टेंस होने के चांस बढ़ जाए। तो इस चीज़ का मैं एक सिंपल से उसमें लाइन में आंसर दे नहीं सकता, हर प्रोफाइल डिफरेंट होती है, सबकी आइटनरी डिफरेंट प्लेस के हिसाब से डिफरेंट होती है। कोई अगर फ्रेशली फर्स्ट टाइम जा रहा है शेंगेन वीज़ा, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा दिन का नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 7-8-10 दिन मैक्सिमम रखना चाहिए। वही अगर कोई पहले ट्रैवल कर चुका है वो थोड़ा लंबा 15-20 दिन की भी आइटनरी दे सकता है। जैसे जब मैं 2 बार ट्रैवल कर चुका था शेंगेन में, तो 3rd टाइम मेरी आइटनरी थी कुछ 25 डेज़ की, और 4th टाइम भी मैंने जो आइटनरी दी थी वो 25 डेज़ की दी थी, उससे मुझे 1 महीने का वीज़ा मिला था शेंगेन का। अभी रिसेंटली एक केस आया मेरे पास जिसमें प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बैंक बैलेंस उससे बेटर नहीं हो सकता, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब थे उनके पास, इवन गवर्नमेंट जॉब था उनके पास, लेकिन उनकी आइटनरी थी 25 डेज़ की, उन्होंने कुछ 7-8 कंट्रीज़ मिक्स करी हुई थी, और सिर्फ इसी कारण से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो और क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे शेंगेन, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर कितनी बार आप होके आए हो शेंगेन वो भी मैटर करता है कि कितने दिन की आइटनरी आपको देना चाहिए। अभी लास्ट वीक की बात है, 2 एप्लीकेंट को टुमारो लैंड जाना था, उनके पास टिकट्स थे, उसके 5 दिन का इवेंट था जुलाई में, तो उनकी आइटनरी सिर्फ 7 दिन की थी, सिंपल सोवर बेल्जियम जाने का था सिर्फ प्लान, तो उनको 7 दिन का वीज़ा मिला, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था कि हमें सिर्फ टुमारो लैंड देख के वापस आना है, तो उनको वीज़ा उनकी आइटनरी उसके हिसाब से थी। और जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबी आइटनरी मत करो, ज़्यादा कंट्रीज़ भी इंक्लूड मत करो, 2 या 3 कंट्रीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, और बहुत प्रैक्टिकल आइटनरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एक दिन में हम ये 10 चीज़ें देख लेंगे, दूसरे दिन में 10 और देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। स्पेशली कोई हनीमून के लिए जा रहा है तो दे कांट कवर मेनी प्लेसेस इन अ डे, दे वॉन्ट टू रिलैक्स ऑल्सो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस पर्पस से जा रहे हो। तो यही मैं बोलूँगा कि आइटनरी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, फॉर वॉट एवर रीज़न यू आर गोइंग शुड बी जस्टिफाइड। एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी बहुत आता है कि हम तो कुछ काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट एम्प्लॉयड एनी वेयर, वी आर नॉट अर्निंग एनी थिंग, सो कैन वी अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा? तो इसका सिंपल सा आंसर है येस, यू कैन अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा। 2 बात की इसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ, 1 की यू नीड अ स्पॉन्सर, अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो यू विल नीड अ स्पॉन्सर, दैट स्पॉन्सर कैन बी योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, ब्रदर, एनीवन। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो कॉलेज स्कूल उसका आपको NOC दिखाना पड़ेगा, वहाँ के एडमिशन स्लिप्स आपको दिखाने पड़ेंगे, टू मेक एम्बेसी श्योर डैट येस यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड यू वॉन्ट टू ट्रैवल फॉर टूरिज्म इन शेंगेन कंट्रीज़। रिसेंटली एक प्रोफाइल थी एक लॉ स्टूडेंट की जो ऑस्ट्रिया जाना चाहता था, एक कॉम्पिटिशन था उसका एडवोकेट से रिलेटेड, और मार्च में कॉम्पिटिशन था, उन्होंने अप्लाई किया, उनकी सिस्टर वॉज द मेन स्पॉन्सर फॉर हेम, जो भी कॉलेज के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके लगाए, और फिर जाके फिर एम्बेसी ने उनके कॉलेज से कन्फर्म किया कि वेदर दिस स्टूडेंट स्टडीज इन योर कॉलेज और ऐसा कॉम्पिटिशन है या नहीं, और वो कंफर्म हो गया। तो एम्बेसी ने, ऑस्ट्रियन एम्बेसी जो काफ़ी टफ बोलते हैं वीज़ा के लिए, उन्होंने फिर उस स्टूडेंट को वीज़ा दिया फॉर गुड अमाउंट ऑफ डेज। सो व्हेन यू आर नॉट वर्किंग यू विल नीड अ स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर योर शेंगेन ट्रिप, इवन इफ यू हैव बैलेंस इन योर अकाउंट देन ऑल्सो यू नीड अ स्पॉन्सर, क्योंकि वो बैलेंस हो सकता है कहीं से आया हो, तो कोई जेन्युइन स्पॉन्सर आपको होना चाहिए ऐसे ट्रिप स्पॉन्सर करने का। कई सारे केस होते हैं कि जिनका हस्बैंड वहाँ पे वर्क कर रहा है, हस्बैंड इज़ वर्किंग इन शेंगेन एरिया एंड उनकी डिपेंडेंट वाइफ इज़ इन इंडिया, दे वांट टू इनवाइट देम देयर, तो उस केस में स्पॉन्सर विल बी द हस्बैंड इवन दो वाइफ इज़ नॉट वर्किंग। सो NRIs के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कनाडा में हैं अभी, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, दुबई में हैं, क्या हमें भी शेंगेन वीज़ा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो कैनेडियन रहते हैं हमारे साथ वो तो अप्लाई नहीं कर रहे, वो तो उनके लिए तो वीज़ा फ्री एंट्री है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे जो 16-18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आपको VFS में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उस दिन आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक्स करना पड़ेगा, और फिर वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आपको सेम तरीके से आपके पासपोर्ट पे लग के वीज़ा आएगा। दिस इज़ द ओनली वे यू गेट द शेंगेन वीज़ा इफ़ यू हैव अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर वेयर एवर यू आर।
दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। फिर ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हम तो टूरिज्म के लिए यूएस जा रहे हैं, क्या यूएस से अप्लाई करें शेंगेन वीज़ा तो हमारी एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगी, क्या कुछ ऐसा है सिस्टम? तो इसमें क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं गए हुए हो तो आप वहाँ से शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते, आप अपने होम कंट्री से ही कर सकते हो। ओनली इफ़ यू हैव अ पीआर ऑफ दैट कंट्री या वर्क वीज़ा, वर्क परमिट के बेसिस पे वहाँ काम कर रहे हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा फ्रॉम दैट कंट्री। जैसे यूके से काफ़ी एप्लीकेंट्स आते हैं कि हम यूके से शेंगेन वीज़ा जाना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें, तो दे कैन अप्लाई फ्रॉम यूके। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम ओरिजिनल फ्लाइट टिकट करके ही सबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स, या डमी टिकट से कुछ फ़र्क पड़ता है, या ओरिजिनल टिकट करेंगे तो क्या ज़्यादा चांस होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि डमी टिकट्स आर वेरी वेल एक्सेप्टेड फ्रॉम द एम्बेसी। उन्होंने चेकलिस्ट में लिखा भी कि डोंट बाय ओरिजिनल फ्लाइट टिकट्स बिफोर यू गेट अ वीज़ा। सो डमी टिकट जस्ट अ नेम, उसको वरना फ्लाइट रिजर्वेशन बोलना चाहिए। फ्लाइट रिजर्वेशन मीन्स कि ऐसा आपका प्लान जिसमें आपका नाम हो टिकट पे और आपका पीएनआर नंबर हो। सो एम्बेसी विल एक्सेप्ट दिस फ्लाइट डॉक्यूमेंट अगर उस पर आपका नाम हो और पीएनआर नंबर हो, तो वो डमी टिकट पे रहता है आपका, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आजकल इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आप स्पेन के लिए अप्लाई करें स्पेशली, तो उनका एक नया नोटिस भी आया है कि फॉर स्पेन यू नीड टू बुक एक्चुअल फ्लाइट टिकट्स। ये अभी रिसेंट की बात है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि स्पेन का पहले जो चेकलिस्ट थी वो अलग थी, उसमें बोला गया था कि आप डमी फ्लाइट टिकट लगा सकते हैं, एक्चुअल लगाने की ज़रूरत नहीं। और अब जो उनका चेकलिस्ट है उसमें ऐसा है कि आपको एक्चुअल फ्लाइट टिकट लगाना है, तो जो अगर डमी लगाएगा वो चेक करके वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि डमी फ्लाइट टिकट लगाया है। तो बाकी सब एम्बेसी का ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं, बट स्पेन ने स्पेशली ऐसा बोला है कि अगर आप स्पेन एज अ एम्बेसी चूज़ कर रहे हो तो यू शुड ऐड ऑल द एक्चुअल फ्लाइट टिकट। इवन अगर आप किसी शेंगेन कंट्री, एक शेंगेन कंट्री से दूसरी शेंगेन कंट्री भी जा रहे हो, तब भी आपको एक्चुअल टिकट लगाना है, नॉट अ डमी फ्लाइट टिकट। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो हैं लेकिन उसके साथ एक पार्ट टाइम भी काम करते हैं, कोई ट्यूशन या कुछ भी, और उससे हमारी एक इनकम होती है, हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होती है। तो क्या हमें वो दिखाना चाहिए कि हमारा सिर्फ फुल टाइम का जो है NOC और वो सब दिखा के भी चल जाएगा? तो ये मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा शेंगेन में भी और यूके वीज़ा के लिए स्पेशली, कि उन वो जब देखते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट, दे शुड बी क्लियर कि आपकी कितनी इनकम आ रही है पर मंथ। और यूके वीज़ा में तो वो पूछते हैं भी कि आपकी मंथली इनकम है कितनी, वो बताइए। और अगर उसमें कुछ मिसमैच हुआ तो सिर्फ उसके बेसिस पे वो वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जो भी अर्न कर रहे हो फिक्स सैलरी में वो तो दिखाना ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो अर्न कर रहे हो वो भी दिखाएं, अलग से दिखाएं। शेंगेन वीज़ा के केस में कवर लेटर में समझाएं उनको, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका प्रूफ वो भी लगाएं, अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटर टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि आप पार्ट टाइम क्या करते हो, क्योंकि आपके अकाउंट में तो वो दिख ही रहा है, रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। तो बेटर इफ़ यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन द कवर लेटर। एड्रेस और नेम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पासपोर्ट पे तो एड्रेस कुछ और है और आधार पे कुछ और है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, क्या हम आधार नहीं लगाए हैं, या व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस? तो मैं इसका यही एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि जो भी आपके पासपोर्ट पे नेम और एड्रेस है वही आपके फॉर्म पे भी आना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स पे वही दिखना चाहिए अधिकतर, क्योंकि एम्बेसी और VFS जो चेक करता है वो आपके पासपोर्ट से चेक करता है, ना कि आधार से। एक आधार की कॉपी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आप लगा रहे हो, तो वो उसका एड्रेस अगर डिफरेंट है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस है वही आपके फॉर्म पे आना चाहिए और हर जगह आना चाहिए। सेम विद द नेम, नेम ऑल्सो कई लोग बोलते हैं कि मेरे ITR पे नेम अलग है, मेरे फादर का नेम कहीं अलग है, आधार पे कुछ और है। तो जो भी है आपके पासपोर्ट पे डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पे दिखना चाहिए। फिर जिन लोगों को वीज़ा मिल जाता है उनका भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा ग्रीस और इटली का ट्रैवल था, मुझे ग्रीस एम्बेसी ने वीज़ा दिया है लेकिन मैं इटली मैक्सिमम डेज रुकना चाहता हूँ, तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, आजकल बोर्डिंग पास में वो आपके सारे होटल बुकिंग्स देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया। तो जब वो होटल बुकिंग देखेंगे उसके साथ में ये भी देख रहे हैं कि आपके मैक्सिमम स्टे कहाँ हो रहे हैं। आपके होटल बुकिंग में अगर उनको दिखता है कि आपके मैक्सिमम डेज तो इटली में हो रहे हैं लेकिन आपको वीज़ा इशू करने वाली एम्बेसी ग्रीस है, तो वहीं पे वो आपको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, हो सकता है आपको बोर्डिंग भी देना है हो जाए। सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू आर हैविंग ऑल द होटल बुकिंग्स विद यू, योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स विद यू, लेकिन होटल बुकिंग्स भी मैक्सिमम डेज उस कंट्री में जो होना चाहिए जिसने आपको वीज़ा दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन भी उनके लिए है जिनको वीज़ा मिल चुका है, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला है, 3 months, 1 month, 6 months वालों का। और उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हम तो स्पेन से वीज़ा मिला हमें
फर्स्ट टाइम हम स्पेन ट्रैवल करके आ गए, अब मेरे वीज़ा की वैलिडिटी अभी भी है, 1 महीना और बाकी है, तो मैं दूसरी बार भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो क्या मैं फिर से स्पेन जाना पड़ेगा या कहीं पे भी जाऊँ? तो इसमें एक सिंपल सा रूल है एम्बेसी का कि जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो सिर्फ उस टाइम वो देखेंगे कि आपका मैक्सिमम स्टे कहाँ होने वाला है। जैसे कि आपने अगर स्पेन का वीज़ा लिया है तो स्पेन में ही होना चाहिए। सेकेंड टाइम अगर आप जा रहे हो तो आप कहीं भी जा सकते हो शेंगेन एरिया में, यू कैन गो टू जर्मनी, यू कैन गो टू नॉर्वे और एनी कंट्री, इवन दो आपका एम्बेसी जो थी वो स्पेन थी। सो इन योर सेकेंड विजिट यू कैन ट्रैवल एनी वेयर इन शेंगेन। बस वही ध्यान में रखना है कि एक तो रिटर्न फ्लाइट टिकट आपका होना चाहिए, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए और सारे होटल बुकिंग्स होने चाहिए जितने दिन के, भले आप 1 महीने के लिए भी जा रहे हो तो सारे 1 महीने की होटल बुकिंग्स वो चेक करेंगे सेकेंड टाइम भी। वो ये चेक नहीं करेंगे कि कौन सी कंट्री में आपका मैक्सिमम स्टे हो रहा है, लेकिन होटल बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों ने काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे थे मुझसे, तो मुझे लगा कि इनको एक ही बार में इसका सॉल्यूशन देना बेटर है। और अगर और भी आपके क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में उनको लूँगा मैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।